नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है कॉलेजियम के ऊपर। तो सबसे पहले जानते हैं कॉलेजियम होता क्या है। कॉलेजियम बेसिकली एक ऐसा ग्रुप है जजेस का जो डिसाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड देयर ट्रांसफ़र रिलेटेड इशूज़। जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, किन जजेस को अपॉइंट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, और उनकी ट्रांसफ़र से रिलेटेड इशूज़, ये सब देखती है कॉलेजियम। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम जो होता है उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जस्टिस और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ऐसे ही हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट के लिए कॉलेजियम होता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 2 अदर जजेस, द अदर सीनियर मोस्ट जजेस। ऐसे ही हाई कोर्ट्स में भी अपनी अपनी कॉलेजियम होती है जो कि अपनी रिकमेंडेशन भेजती है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास। लेकिन हाई कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं, उसके पास इतनी पावर्स नहीं है जितनी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स हैं। अब जो कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट की है जो डिसाइड करती है कि जजेस, किन जजेस को अपॉइंट किया जाएगा या किन को प्रमोट किया जाएगा, वो अपनी रिकमेंडेशन भेजती है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट फिर वहाँ से पास करके अपने साइन करके उन जजेस को अपॉइंट कर देता है। तो यहाँ पे जो इनकी एडवाइस होती है वो बाइंडिंग होती है, करंटली एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होती है। अब बात करते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम है वो कैसे इवॉल्व हुआ। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न से है और ना ही किसी गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू आया है। ये इवॉल्व हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट्स के थ्रू जो उसने डिसीजन लिया था, फर्स्ट जजेस केसेस, सेकंड जजेस केसेस और थर्ड जजेस केसेस में। अब यहाँ पे क्या होता है, सेकंड जजेस फर्स्ट जजेस केसेस से पहले क्या हो रहा था कि जो एडवाइस थी, जो एडवाइस प्रेसिडेंट लेता था चीफ जस्टिस से, वो एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती थी, यानी कि उसका कॉन्करेंस होना ज़रूरी नहीं था, कंसल्टेशन वॉज नॉट कॉन्करेंस। लेकिन सेकेंड जजेस केसेस में क्या होता है कि जो एडवाइस ली जाती थी प्रेसिडेंट द्वारा उसको बाइंडिंग कर दिया जाता है, चीफ जस्टिस की जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे, यानी कि उसको उस एडवाइस के हिसाब से ही अपॉइंट करने होंगे जजेस। और यहाँ पे एक कॉलेजियम व्यवस्था की स्थापना कर दी जाती है, यानी कि जो एडवाइस है चीफ जस्टिस की उसका मतलब होगा चीफ जस्टिस इंक्लूडिंग 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, यानी कि जो कॉलेजियम है उसमें 3 मेंबर्स होंगे, एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ये लोग डिसाइड करेंगे, ये लोग एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को और वो एडवाइस बाइंडिंग होगी। वहीं थर्ड जजेस केसेस में क्या होता है कि जो कॉलेजियम है उसको प्रॉपरली डिफाइन करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया जाता है, और जो 3 लोगों की कॉलेजियम को बढ़ाकर 5 लोगों की कॉलेजियम कर दिया जाता है जिसमें चीफ जस्टिस और अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें कॉन्ट्रोवर्सीज हमें क्या देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले 1973 से पहले एक कन्वेंशन था कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। तो लेकिन 1973 में क्या होता है कि ए एंड रे सक्सीड कर जाते हैं 3 सीनियर जजेस से और उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, बाकी जो 3 जजेस होते हैं वो फिर अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। और इसके पीछे कारण ये था कि जो 3 सीनियर जजेस थे वो केशवानंद भारती केस की बेंच में शामिल थे, जिसका डिसीजन फेवरेबल नहीं लगा गवर्नमेंट को। ऐसे ही इंसिडेंट 1977 में हमें देखने को मिलता है जब MU बेग सक्सीड करते हैं HR खन्ना को, यहाँ पे भी सिमिलर केस बन रहा होता है कि जो डिसीजन इनके द्वारा लिया गया वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं था। तब कहते हैं क्या ये जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो एकदम साउंड है, एकदम परफेक्ट है, इसमें कोई फ्लॉज नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें फ्लॉज हैं, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इसके लिए 2014 में क्या NDA गवर्नमेंट 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है। इस एक्ट के थ्रू नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई जा रही थी जो कि रिप्लेस कर रही थी कॉलेजियम सिस्टम को। लेकिन 2015 में 4th जजेस केसेस में सुप्रीम कोर्ट इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर देता है और ये वॉइड हो जाता है। और ये तर्क देता है कि जो NJAC है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को अफेक्ट कर रही होगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। NJAC में जो मेंबर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव से भी लिए जाएंगे, जुडिशरी से भी लिए जाएंगे, तो ये अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा होगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, इसलिए उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देते हैं और उसको वॉइड कर देते हैं। अब बात करते हैं जो करंट सिचुएशन है, जो आज की डेट है वो क्या है, उसमें अभी भी कॉलेजियम सिस्टम ही फॉलो हो रहा है। लेकिन जो अभी करंट कॉलेजियम जो है वो 6 मेंबर्स की है, 5 की जगह 6 मेंबर्स के। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो 4 जजेस जो होते हैं वो एलिजिबल नहीं है चीफ जस्टिस बनने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कॉलेजियम का मेंबर होना ज़रूरी है, इसलिए कॉलेजियम अभी 6 मेंबर्स की है। जो 6वें मेंबर हैं वो हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस होंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कॉलेजियम जो सिस्टम है उसको कैसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। कहा जाता है जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, जैसे इसको कैसे अपॉइंट किया जा रहा है, कब इनकी मीटिंग्स हो रही हैं कॉलेजियम की, ये पता नहीं चल रहा होता प्रॉपर वे में। नेक्स्ट जो कॉलेजियम है वो वहाँ पर स्कोप रह जाता है नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का।
जो वीकर क्लासेस हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, दलित्स, जो वुमेन्स हैं, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता जुडिशियल सर्विसेज में, ये भी एक पॉइंट है क्रिटिस। अब बात करते हैं कॉलेजियम के फेवर में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं। तो कॉलेजियम जो सिस्टम है कहा जाता है बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस है एग्जीक्यूटिव से, एग्जीक्यूटिव पे यहाँ पे कोई रोल रह नहीं जाता, तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो यहाँ पर सुनिश्चित हो जाती है। जस्टिस EU ललित जो हमारे फॉर्मर एक्स चीफ जस्टिस थे वो कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो नियरली परफेक्ट सिस्टम है, इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं है। जो कॉलेजियम है वो प्रॉपरली डिसाइड कर सकती है कि किन जजेस को अपॉइंट किया जाना है, क्योंकि हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जजेस के वर्क को, उनकी परफॉर्मेंस को, तो हम बेहतर ये निर्णय ले सकते हैं कि कैसे जजेस को अपॉइंट किया जा रहा होगा। जो हमारे करेंट चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, वो कहते हैं कि जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें भी कुछ कमियां हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं वो इन सब में बेस्ट है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की कॉलेजियम के बारे में। आपकी क्या राय है कॉलेजियम के बारे में या NJAC के बारे में, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कोई मिस्टेक हुई हो या फिर आपका कोई सुझाव हो या फिर आपको शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहीं से नया इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।